दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हीमोस्टेसिस के बारे में बताया था, और आज मैं आपको ब्लड क्लोटिंग के मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, हीमोस्टेसिस का ही एक पार्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जब हमने प्रीवियस वीडियो में सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पढ़ा था, तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के पहले ब्लड क्लोटिंग आता है, तो वही ब्लड क्लोटिंग मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको हीमोस्टेसिस की वीडियो देखनी है तो आप जाकर मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी। देखो यार, मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे फैक्टर्स, 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बताया था, और उन्हें याद रखने की एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लो, वही फैक्टर्स आज यूज़ हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 12th फैक्टर, 11th फैक्टर, 9th फैक्टर, ठीक है, तो इन्हें देखकर आप कन्फ्यूज मत होना, ये वही फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों देखो, होता क्या, हमारी बॉडी में ना दो सिस्टम होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर से बन रहा है, इसका स्टिमुलस क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सिस्टम होता है, इसका स्टिमुलस जो होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, वो बाहर से होता है। ठीक है, तो देखो पहले इंट्रिंसिक की बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक में यहाँ पर लिखा है HMW किनिनोजिन एंड कैलिक्रीन। तो ये लोग, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कुछ। HMW का मतलब है हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, तो किनिनोजिन का एक सब्सटेंस है और कैलिक्रीन भी एक सब्सटेंस है। तो ये दोनों सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो 12th फैक्टर हमारा होता है ब्लड क्लोटिंग का, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12 से 12A में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये 12 से 12A में कन्वर्ट हो चुका है, ए का मतलब है एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, HMW किनिनोजिन दोबारा से आएगा, 11th फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। फिर 11th फैक्टर क्या करेगा, 9th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, एंड देन 9th फैक्टर जो है वो फर्दर जाएगा और 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और उस 10th फैक्टर को एक्टिवेट करते टाइम कैल्शियम और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे इस रिएक्शन को, कैटलाइज करेंगे या आप कह दो कि सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो 8th फैक्टर था, ये 8th फैक्टर भी सपोर्ट करेगा। सेम वही चीज़ क्या होती है, इन एक्सट्रिंसिक पैथवे में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सिस्टम जो है, जब टिश्यू में कोई भी कट लगता है, ट्रोमा होता है ना, ट्रोमा मतलब इंजरी। ठीक है, जब भी कोई इंजरी या चोट लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, और ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, सेवन्थ फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की हेल्प से। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की हेल्प से फिर क्या करेगा, ये 7th फैक्टर जो एक्टिवेट हुआ, ये भी 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ये दोनों सिस्टम, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सिस्टम, दोनों ही एट दी एंड आकर 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद जो 10th फैक्टर था, वो 10th फैक्टर एक्टिवेट हो चुका है। अब ये 10th फैक्टर क्या करेगा, एक्टिवेट होने के बाद ये जाएगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हो, ये कौन सा फैक्टर था, प्रोथ्रोम्बिन हमारा सेकेंड फैक्टर था जो मैंने आपको ट्रिक में बताया था। ठीक है, और फिब्रिनोजिन कौन सा था, ये सबसे पहला फैक्टर था जो हमारा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर हम इन फैक्टर्स का पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए याद रखने के लिए मैंने आपको इसको सीरीज का सीरियल नंबर लिखा है कि 11th फैक्टर है या 12th फैक्टर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कैल्शियम और प्लेटलेट्स की हेल्प से 10th फैक्टर जो एक्टिवेट हुआ था, और 5th फैक्टर के हेल्प से वो गया प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर दिया, है ना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजिन को तो एक्टिवेट कर ही रहा है, ये जाके 12th फैक्टर को भी एक्टिवेट कर रहा है, और वो 13th फैक्टर को भी एक्टिवेट करेगा, और वो फैक्टर फिर जाके क्या करेगा, फिब्रिन को स्टेबलाइज करेगा। तो फिब्रिन क्लोट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिब्रिन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में फिब्रिन क्या होता है, आकर क्लोट के पास आ जाता है, और उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, हमारा ये 13th फैक्टर। ठीक है, अब जो फिब्रिन बना, इस फिब्रिन ने क्या करा, नेटवर्क बनाया एक, और उस नेटवर्क, ये जाल सा बना दिया, मकड़ी के जैसा जाल समझ लो इसे। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस जाले ने ट्रैप किया, क्या ट्रैप किया, ब्लड के अंदर। यार आपको पता है कि ब्लड जब इसके पास जाएगा, जब यहाँ इस जाले में ब्लड जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर हमारे में प्लाज्मिनोजिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, और प्लाज्मा तो होता ही है। तो ये जब इस जाल के पास जाएंगे, इस नेटवर्क के पास जाएंगे, तो वो इसमें से फिल्टर नहीं हो पाएंगे, यानी वो उसे ट्रैप कर लेगा।
अब इसके ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, एक क्लोट बन जाएगा, और वो क्लोट क्या होगा, कुछ देर बाद कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा क्यों होगा, देखो यार, जब आपकी ब्लड वेसल्स में कट लगा उस पर आकर अब क्लोट बन गया सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बाद, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग हो गई। अब क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग को रिकवर, ब्लड क्लोटिंग को और ज़्यादा, मतलब जो हमारे ब्लड में डैमेज हुआ था ब्लड वेसल में, उस डैमेज को रिकवर करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। जो हमारा कट था ना, जो कट लगा हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। यानी कि अगर आपकी ब्लड वेसल्स टूटी हुई थी तो वो थोड़ी थोड़ी आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी और जुड़ने लग जाएगी, एट द एंड वो पूरी जुड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्लोट रिट्रैक्शन हो जाएगा, क्लोट जो है रिट्रैक्ट होने लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वो हैं हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनके जो एंड्स हैं वो एंड्स आसपास आने लगेंगे, मतलब थोड़ा क्लोज आने लगेंगे, और वो एंड्स एक टाइम के बाद आके जुड़ जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हमारा था ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा था, वो अब कट में ना जाके अपना ईजीली फ्लो करेगा, अनइंटरप्टेड, ठीक है, आसानी से फ्लो करता रहेगा। अब देखो होता क्या है, जब हमारा ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स पास में आने लगी, तो इसके अब क्लोट तो बन चुका, क्लोट के बाद जो हमारी रिकवरी होती है टिश्यू की, वो अब मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। देखो, जो हमारी डैमेज ब्लड वेसल्स थी, एंडोथीलियल सेल्स जो थे वो क्या हुए थे, एक्टिवेट हो गए, और प्लाज्मिनोजिन, मैंने आपको एक सब्सटेंस बताया था जो ब्लड के अंदर था, वो क्लोट में आके ट्रैप हो गया था। अब क्या हुआ कि कुछ एक्टिवेटर्स आए, उस प्लाज्मिनोजिन पे एक्ट करा उन्होंने, और उसकी वजह से एक इंजाइम प्लाज्मिन एक्टिवेट हो गया। अब वो इंजाइम प्लाज्मिन क्या करेगा, फिब्रिन के पास जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्लोट था, क्लोट पर वहाँ पर आकर फिब्रिन ने जाला बना दिया था, एक नेटवर्क बना दिया था, उस नेटवर्क के अंदर ये सब प्लाज्मिनोजिन और आरबीसी आकर फंस रहे थे। तो अब ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिन जो एक्टिवेट हुआ है, ये प्लाज्मिन जाएगा उस फिब्रिन के पास और उसे क्या करेगा, सोल्यूबल प्रोडक्ट में बदल देगा, ठीक है, फिब्रिन को सोल्यूबल प्रोडक्ट में बदल देगा। और जब उसे सोल्यूबल प्रोडक्ट में बदल दिया तो उसके बाद क्या होगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो इनसोल्यूबल था, अभी वो इनसोल्यूबल था हमारा जो फिब्रिन था, तो इसलिए वो ब्लड में नहीं था, है ना। अब वो सोल्यूबल हो गया है तो उसे जो है हमारी ब्लड सेल्स, हमारे मैक्रोफेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल है। अब जब सोल्यूबल हो चुका है तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, क्लोट जो हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, और उस क्लोट के रिमूव होते ही एक नई स्किन वहाँ पर आकर बन जाएगी, और बिल्कुल जो वाउंड हमारा था, हमारा जो कट लगा था, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी कट भी लगा था, ठीक है, तो क्योंकि एक नई स्किन वहाँ पर आ चुकी है, हमारा जो कट लगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लोटिंग फैक्टर्स याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी सीरीज़ है, इस पर क्लिक करिए, और हीमोस्टेसिस की वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएगी, और अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान की वीडियो देखनी है तो वीडियो पर क्लिक करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।